नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। आइए हम लोग सीटेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, इसकी सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? दिशात्मक कौशल है? बिल्कुल नहीं है। चित्रण कौशल है? बिल्कुल नहीं। स्थितीय कौशल हो जाएगा। जब आपको स्थिति जानना है तो स्थितीय कौशल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो हमारा कहता है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जो जोड़ा जाएगा, अर्थात जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य होगा? तो आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। पाठ्य पुस्तकों से बाहर आप जा ही नहीं सकते हैं। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की। तो क्वेश्चन नंबर तीन जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीन पर डिस्कशन करते हैं। ईबीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। किसके लिए? कि यह एक अवैध कार्य है? बिल्कुल नहीं। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ठीक है, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। आगे पढ़ लेते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और डी कह रहा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो तीसरे का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ठीक है ना, सपेरों को देखते नहीं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं कि पशुपालन आजीविका का, जो पशुपालन है वो आजीविका का अच्छा स्रोत है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, महिलाएँ और पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है? जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों की तुलना में कमज़ोर माना जाता है, यह क्या है एक बताना है। मिथक है? नहीं। वैज्ञानिक तथ्य है? नहीं। ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, अर्थात जो परंपरा से चली आ रही। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? जो हमारे पूर्वजों के परंपरा से चली आ रही उसे ही रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पाँच पर चलते हैं। पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन पाँच जो है, क्वेश्चन पाँच पर आते हैं। क्वेश्चन पाँच क्या कह रहा है? कक्षा चार की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखते। अर्थात वयोवृद्ध लोगों से पूछना है कि उनके समय में जो पौधे थे क्या वो आज नहीं दिखते हैं। आइए इस पर देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? कौन से कौशल की संभावना नहीं है? तो चर्चा गलत है, ठीक है, प्रश्न पूछना ये भी गलत है, अभिव्यक्ति ये भी गलत है, प्रयोग ये यहाँ जो है प्रयोग की संभावना ये वाला हो जाएगा, यहाँ नहीं है। छठों की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा तीन के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा, वर्गीकृत करने के लिए कहा। नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और केला। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया, दवाओं के गुड़ वाली पत्तियों और दवाओं के गुड़ से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। ठीक, आगे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम को प्रतिबिंबित करता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। चलिए एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। तो यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है? नहीं, ये गलत है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, ये भी गलत होगा। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है, इसका एक ही सही उत्तर होता है। जी हाँ, ये सही है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवन की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन सेवन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सेवन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेवन कह रहा है कि क्या आप अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से
किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है, यहाँ कौशल को पूछ रहा है, तो आपका अवलोकन हुआ रिकॉर्डिंग कौशल ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 8 की, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं ये। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है, फिर वह फाइल को मोड़ जो है फाइल को जो है मरोड़ देती है, ठीक है, और दबाती है और फिर से पानी में डालती है, तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कोई फाइल है, उसको पानी में डूबती है, निचोड़ती है, फिर से पानी में डालती है, तो डूब जाता है। इसी को समझाना है कि कौन सा जो है प्रक्रमण कौशल यहाँ पर होगा। तो आइए देख लेते हैं, मापन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वर्गीकरण होगा, ये भी नहीं होगा, परिकल्पना होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिकल्पना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसिफिक में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों पर वर्णन करता है, इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है। किस लिए इसको शामिल किया गया है, स्पेसिफिक जो है उसको क्यों शामिल किया गया है। तो यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। अब आपको बताना है कौन कौन सही है। तो एक तरफ से देखते हैं, ठीक है, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये भी सही है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादित को चुनौती देता, बिल्कुल सही है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक, चलते हैं अगले 10th पे। 10वां क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है, तो आपको आंसर निगेटिव ही देना होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। देखिए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटना, ये रटना मिल गया, ये पक्का नहीं होगा। तो बस ये नहीं होगा, तो बाकी सब होंगे, और पढ़ना ही नहीं है। जब निगेटिव पूछे, जो नहीं होगा वही पकड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ेंगे, फिर आंसर इसका देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा गैप हो गया है। तो आइए देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, यही हमका आंसर बताना है कि इसमें कौन सा जो है आंसर नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें, सार्थक अधिगम के लिए उसे बक्षों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखते हैं, यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, गलत है। यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, गलत है। अधिगम पौधों के नाम, ये भी गलत है। उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों पर अंतर का अवलोकन, दैट इज राइट आंसर। 13 पे आते हैं। ईवीएस संक्षेपण, अर्थात इसका पूरा नाम पूछ रहा आपको, ईवीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो एनवायरमेंटल स्किल गलत है, साइंस गलत है, सोर्सेज गलत है, स्टडीज होता है, ठीक, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्या कह रहा है, कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है, 14 में पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। कक्षा कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ये तो सही होगा। नहीं है तो आपको निगेटिव उत्तर चाहिए, जो नहीं होगा ये गलत हो जाएगा। ये वाला भी, इसका अनुशासन को सुनिश्चित करें, ये दैट इज राइट आंसर, यही हो जाएगा। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, ये नहीं करना है और यही नहीं पूछा है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये नहीं होगा, शिक्षार्थियों को अवसर, बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा, अवसर। बाकी विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल नहीं सुधारना आपको, ये भी गलत। तो आज बस हम 15 तक ही देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम
अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तब तक आपको इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।